जहां में है बाकी सर सैयद का काम, बड़ी देर तक रहेगा इसका नाम। मुसलसल रहेगी यूं ही उसकी दास्तान, हमेशा करेगा उसे याद हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अज़रा शेख एंड टुडे ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ सर सैयद डे वी हैव द प्रिविलेज ऑफ हियरिंग फ्रॉम प्रोफेसर साजिद जमाल, एन एस्टीम्ड एजुकेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। Sir will share his insight on Sir Sayyed's contributions and their relevance in today's world. Assalamu alaikum, sir. How are you, sir? Fine, thank you. Sir, it's a great privilege for us that we are the part of Aligarh Muslim University and Sir Sayyed Ahmed Khan is the founder of this great institution. So, on this occasion of Sir Sayyed Day, I would like to ask you, sir, why did Sir Sayyed give so much importance to education? Azra. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ा था, एक बड़े ही पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने ये किताब लिखी थी। एंड वन थिंग ही मेंशन इन दैट बुक दैट इज़ वेरी रिमार्केबल, उन्होंने लिखा कि 1757 में, यानी कि जिस साल बैटल ऑफ प्लासी हुई है, उस साल तकरीबन पूरी दुनिया का जो GDP था उसका 1/4 ऑलमोस्ट 25% GDP वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिया। यानी आज के दौर में USA का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड GDP में, तकरीबन इतना ही कंट्रीब्यूशन इंडिया का था 1757 में। तो वो कंट्रीब्यूशन किस तरह से था, बिकॉज वी हैव वेरी गुड मेटलर्जी टू मेक कैनन्स एंड स्वॉर्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, हमारे पास ज्वेलरी थी, कपड़े बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव, और काफ़ी एक हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर से, और इससे हमारे पास रेवेन्यू आता था, तो वी कंट्रीब्यूटेड अलॉट टू द वर्ल्ड GDP। लेकिन देखें कि एक इतना बड़ा मुल्क जिसने वर्ल्ड GDP को 25% कंट्रीब्यूट जो करता था, दैट कंट्री वॉज बैडली डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी बाई ए कंट्री हुज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड GDP वॉज लेस देन 6%। यानी सन 1757 में जो यूनाइटेड किंगडम का वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूशन था, दैट वॉज लेस देन 6%। तो दैट प्रोफेसर हैव आर्ग्यूड इट सिंपली बिकॉज एट दैट टाइम इन ग्रेट ब्रिटेन लिटरेसी रेट वॉज 71%। तो 1757 में आप देखिए कि लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा था, गोया कि उस मुल्क में, उस मुल्क के लोगों ने, और ख़ासतौर से जो वहाँ की मिशनरीज थी या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया, और इस एजुकेशन पर इम्पोर्टेंस होने की वजह से उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। चूँकि सर सैयद एक विजनरी थे और उन्हें ये लगता था कि जब तक हम एजुकेशन पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एजुकेशन पर काफ़ी फोकस किया। सर, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन से सोशल डेवलपमेंट का रिलेशन, ऑफकोर्स एजुकेशन से सोशल डेवलपमेंट का रिलेशन है, उससे जो है वो इकोनॉमी का रिलेशन है। यानी कोई भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कोई भी आप एरिया देखिए, तो यू विल नॉट फाइंड कि एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड विद दैट। डेफिनेटली एजुकेशन हैज गुड रिलेशन विद ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ HDI। ओके सर, थैंक यू सर। सर, इट्स 21st century नाउ एंड 19th century में अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद रखी गई भाई सर सैयद अहमद खान, सो व्हाट डिड ही थिंक अबाउट दैट? जो अभी मैंने बात कही कि इनफैक्ट सर सैयद वाज ए विजनरी, और उन्होंने रियलाइज किया था कि जब तक हम एजुकेशन को नहीं अडॉप्ट करेंगे, यानी एजुकेशन से मुराद जो वेस्टर्न एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है ना, इंग्लिश एजुकेशन, जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम एट पार विथ अदर्स जो है वो नहीं आ पाएंगे। तो आप देखिए कि इससे पहले हिंदुस्तान में दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स थे लाइक राजा राम मोहन राय और अदर पीपल, उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया कि यू एक्सेप्ट वेस्टर्न नॉलेज एंड यू एक्सेप्ट इंग्लिश। तो उसी तर्ज पर सर सैयद ने भी सोचा कि हमें अपनी कम्युनिटी में जो है इस बात को अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कीजिए, तभी हम जो है वो जा करके आगे निकल पाएंगे। एक्चुअली ही वाज आल्सो एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसी से रिलेटेड। जी जी। सो बट सर, व्हाई डिड ही एम्फसाइज मच मोर ऑन इंग्लिश एजुकेशन? देखिए, इंग्लिश की एक जो सबसे खास बात है अज़रा, इफ यू थिंक इवन टूडे आपको कोई भी अच्छा मटेरियल तलाश करना है, आपको कोई थीसिस लिखनी है या कोई प्रोजेक्ट लिखना है या कोई पेपर लिखना है, तो द मोमेंट यू सर्च ऑन गूगल, तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इजीली और सबसे क्वालिटी का मटेरियल किस ज़बान में अवेलेबल होता है?
तो इट्स नॉट सिंपली कि इंग्लिश में ऐसी ही चीज़ें अवेलेबल हुई हैं, बिकॉज दीज पीपल हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी रिसर्च किया, और यही नहीं कि सिर्फ उनके लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में रिसर्च किया, बल्कि उन्होंने देखिए तो वेदाज वगैरह को, उपनिषद को भी ट्रांसलेट किया अपनी जबान में, इस तरीके से हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो फारसी जबान में थे उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. तो इनफैक्ट दीज पीपल हैव वर्कड हार्ड, दैट्स वाई इंग्लिश में हमें बहुत सारा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल जो अवेलेबल होता है. तो इनफैक्ट उस टाइम में क्या था कि इंग्लिश चूंकि रूलर्स की जबान थी, इसके अलावा इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की जबान थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर सैयद को ये एहसास होता था कि बिना इंग्लिश सीखे जो है हम बिल्कुल जो है वो हमारी वैल्यू जो है नहीं रह जाएगी. इन द सेम वे जैसे कि किसी टाइम में हिंदुस्तान में होता था कि जो लोग फारसी नहीं जानते थे उनका शुमार पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता था या उनके समाज में कम वैल्यू होती थी. तो इसी वजह से जब फारसी को हटाया गया और उसकी जगह पर इंग्लिश को सरकारी जबान बनाया गया, तो उस टाइम में एक मकूला बहुत मशहूर हुआ था कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल. गोया कि एकदम से थोड़ी मोड़ी भी फारसी जानने वाले सरकारी जबान होने की वजह से वो दरबारों में रसाई पाते थे, उनकी बड़ी वैल्यू होती थी. तो इसी तरह से अगर दरबार में रसाई हासिल करना है या वैल्यू हासिल करना है या समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल करना है तो समहाउ आवर कम्युनिटी हैज टू अडॉप्ट इंग्लिश. ये सर सैयद का विचार था, सर सैयद की सोच थी. सर लाइक दैट ही कोरिलेटेड द साइंटिफिक एजुकेशन विद रिलीजियस एजुकेशन. ऑफ कोर्स अगर आप देखें ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, तो अगर आप हमारे रिलीजन को देखें तो आवर रिलीजन इज हाईली साइंटिफिक. और आज तक जितना मेरा महदूद मुताला है, मैंने ये नहीं पाया कि कोई भी जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हो वो कंट्राडिक्ट करती हो इस्लामिक फिलासफी से या इस्लामिक सोच से. आई मीन दे ऑलवेज, यू विल फाइंड दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. लेकिन क्या था कि इनफैक्ट उस टाइम में, ससेद के टाइम में, चूंकि अंग्रेज़ों से बहुत नफरत थी तमाम हिंदुस्तानियों में और ख़ासतौर से हमारी कम्युनिटी के लोगों में, तो इस वजह से एक रेजिस्टेंस था कि जो भी अंग्रेज़ कहते हैं, जो भी अंग्रेज़ करते हैं, या जो भी अंग्रेज़ पहन ओढ़ रखते हैं, या इनका जो भी कल्चर है, इनकी जो भी ज़बान है, उसको हम एक्सेप्ट ना करें. तो सर सैयद को ये लगता था कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं. बहरहाल जो है वो अगर लोग अंग्रेज़ों से नफरत है तो वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि अगर उनके पास इल्म है, उनकी ज़बान है, अच्छी है, और उसमें कुछ स्कोप है, तो क्यों ना हम उसको एक्सेप्ट करें. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डिड ही स्टार्टेड द तहज़ीबुल अखलाक. देखिए अज़रा, ये जो टाइम है 1850 का, 57 का, ख़ास तौर से 1857 में गदर हुआ, और जाहिर सी बात है कि उसमें मेजर सफरर्स वेयर द मुस्लिम्स, और काफ़ी लोगों की जाने गई, काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी जब 1857 का गदर हुआ. और फिर उसके बाद जब ये फेल हुआ तो फिर अंग्रेज़ों ने पकड़ पकड़ करके काफ़ी जो है सज़ाएँ दी, और यानी मेजर सफरर वाज द मुस्लिम कम्युनिटी. और सर सैयद ने वो चूँकि सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी थी, तो ये जो वक्त था, इनफैक्ट उस वक्त इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का जो सबसे अच्छा ज़रिया था वो अखबार था. तो इनफैक्ट जब सर सैयद जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हुए थे इंग्लैंड के दौरे से, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार से बहुत सारी मालूमात फराहम होती हैं, अखबार से सरकार का ओपिनियन भी लोगों के सामने आता है, लोगों का ओपिनियन भी लोगों के सामने आता है, और अखबार जो है वो सोशल अवेकनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो मुझे लगता है कि वो वहाँ से आने के बाद वो मुतासर हुए और उन्होंने सोचा कि एक अखबार हम यहाँ पर भी शुरू करें. और ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी डाली हुई ये बुनियाद जो अभी तक कायम है, अभी भी ये तहज़ीबुल अख़लाक रिसाला जो है वो हमारे यहाँ से निकल रहा है. सर हम अपनी लाइफ गोल सेट करते हैं, सो बेसिकली काफ़ी चैलेंजेस हमें वहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, बट एक मोटिवेशन होता है कि हमें वो अचीव करना है, रिगार्डिंग फैमिली का कोई मोटिवेशन है, वट एवर. बट इन केस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट बिकेम अ बिग ड्रीम फॉर सर सैयद अहमद खान, एंड ही ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो वट केप्ट हिम मोटिवेटेड टू एस्टैब्लिश सच अ सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग. देखिए अज़रा, आपने जूनियर क्लासेस में, खासतौर से बीएड में पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, आप बताइए. ऑफ कोर्स जिसमें कि एक्सटर्नल जो है वो चीज़ों की वजह से हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू गेट सम प्राइज, टू गेट सम प्रेज और समथिंग लाइक दैट, या हम सजा को या डर की वजह से करते हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट अस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में. लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारा इनर सेल्फ जो होता है वो हमको मोटिवेट करता है. तो इस केस में अगर आप देखें तो इनफैक्ट ये सर सैयद का इनर मोटिवेशन था, वो कम्युनिटी की जो हमारी बदहाली थी या मुल्क मिल्लत के जो हालात थे, जिस तरह से डिप्रेसिंग हालात थे और कम्युनिटी में एक नाउमीदी बड़े पैमाने पर पाई जाती थी,
तो चूंकि उनको लगता था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो हमारे इन सारी परेशानियों को हल कर सकता है, हमारी नाउमीदी को दूर कर सकता है, हमारा खोया हुआ वकार हासिल कर सकता है, तो इस वजह से उन्होंने जो है कोशिशें अपनी जारी रखी। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस आए इस ताल्लुक से, और उनके बहुत सारे साथी उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनका समाज में असर रसूख था, उन्होंने भी सर सैयद की बड़ी मुखालफत की। और ख़ासतौर से देखिए, अकबर इलाहाबादी जो है एक बड़े पोएट थे, तो अकबर इलाहाबादी बहुत मुखालफत करते थे इस यूरोपियन नॉलेज को हासिल करने की, या इंग्लिश के नॉलेज को हासिल करने की, या सर सैयद के इस नज़रिए से। और उन्होंने कहीं पर कहा भी कि पाँव को जो बहुत झटका पटका, जंजीर के आगे कुछ न चली, तदबीर बहुत की ए अकबर, तकदीर के आगे कुछ न चली, और यूरोप ने दिखाकर रंग अपना, सैयद को दीवाना बना ही लिया, सब पीरों से ये बच निकले, इस पीर के आगे कुछ न चली। लेकिन वही अकबर इलाहाबादी सर सैयद की डेथ के बाद जब वो अलीगढ़ आते हैं और यहाँ पर उनका काम देखते हैं और किस तरह से तलबा यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं, तो इस पर बेसाख्ता उनके मुँह से निकला कि हमारी तो बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था। यानी गोया कि उनको ये एहसास हुआ कि मैंने जो मुखालफत की सर सैयद की, वो शायद जो है सही नहीं किया, और वाकई में सर सैयद का एक विजन था और सर सैयद काम करते थे। तो एक ऐसे डिप्रेसिंग माहौल में जब हर तरफ से मुखालफत हो रही हो और सपोर्ट बहुत कम मिल रहा हो, ऐसे में बिल्कुल जो है पायदारी हासिल करना और किसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये बिना इंट्रिंसिक मोटिवेशन के पॉसिबल नहीं है। सर, प्लीज़ एक्सप्लेन ए लिटिल अबाउट द प्रेजेंट कल्चर ऑफ एएमयू। आज के टाइम पर जो तहजीब के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं, एंड सर मुझे ये भी जानना है कि अगर सर सैयद आज होते हैं हमारे साथ में तो वो क्या देखना चाहते हैं। देखिए, तहजीब एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है, और इनफैक्ट किसी एक डिफिनेशन में इसको समेट पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। खासतौर से आपने एलिजाबेथ टाइलर की डिफिनेशन पढ़ी होगी कि कल्चर इज़ ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, मोरल्स, बिलीव्स एंड यू नो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन आर एनी अदर सच टाइप ऑफ थिंग विच हैज़ बीन अक्वायर्ड बाई द ह्यूमन बींग एज ए मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। तो जो तहजीब है बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। आपने चूंकि मुझसे एएमयू की तहजीब के बारे में पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ के जो तलबा हैं, या हमारे यहाँ के जो असातज़ा हैं, या जो हमारे यहाँ का गैर तदरीसी अमला है, आप जब देखेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये डिफरेंट हैं, इनकी हरकत व सकनात डिफरेंट हैं, बातचीत का तरीका अलग है, बहुत महज़ब तरीके से पेश आते हैं। ख़ासतौर से देखिए, इंट्रेंस टेस्ट वगैरह जब होता है और बाहर से जो लोग मेहमान आते हैं, तो हम हॉस्टल लाइफ से देख रहे हैं, जब मैं हॉस्टल में था तब से लेकर के आज तक लोग जो है वो उनकी खिदमत करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हैं। और हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज इतने एडवांस नहीं थे, तो बाकायदा रेलवे स्टेशन पे हम लोग एक कैंप लगाते थे, वहाँ पर आने वाले लोगों का वेलकम करते थे, और फिर हम उनको छोड़ने भी जाते थे, जिस तरह की जो भी मदद हो सकती थी जो है वो हम करते थे। तो ये जो कल्चर हमारा है, तो ये ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कहीं से इम्पोज है, बल्कि शायद वो सर सैयद की जो तहरीक थी उस तहरीक का असर अभी तक है। तो आपने जो मुझसे पूछा कि सर सैयद अगर आज होते तो वो क्या महसूस करते, मुझे लगता है कि काफ़ी खुश होते हमें देख करके, कि जो पौधा उन्होंने लगाया था, पहली बात तो ये कि हमने इसकी आबियारी की, हमने इसमें पानी डाला, हमने इसमें मेहनत किया, और किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं, सबने कलेक्टिविटी कोशिश किया। जाहिर सी बात है कि इंतजामिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, वो फंड मुहैया कराते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, नीचे के लोग जो हैं वो और काम करते हैं, टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो गोया कि ये एक तहरीक है, और बेसिकली वो तहरीक जो चल रही है। तो मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि सर सैयद अगर आज के दौर में आते और हमारा काम देखते, हमारी तदरीस का मेयार देखते, दुनिया की हिंदुस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 10 में हम माशाल्लाह से हैं, और अभी QS रैंकिंग में भी हमारी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, तो और इसके अलावा हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुल्क मिल्लत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि चंद्रयान का जो अभी जो मिशन गया था, तो उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी जो है गई थी, तो आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आज सर सैयद होते तो हमारे ये सारे अचीवमेंट देख करके खुश होते, हमें दुआएं देते। माशाल्लाह सर, एज ए स्टूडेंट आई ऑल्सो कैन से कि मुझे भी एक्सपीरियंस है एमयू में एडमिशन लेने के बाद, काफ़ी वैल्यूज हम इस तरह के डेवलप कर लेते हैं। सर, कैन यू प्लीज टेल हाउ शुड एएमयू कंटिन्यू सर सैयद लीगेसी इन टुडेज वर्ल्ड। देखिए, जब अजरा आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ इंतजामिया का नहीं है, सिर्फ वाइस चांसलर का, प्रो वाइस चांसलर का, रजिस्ट्रार का, या जो दूसरे हुक्काम हैं यूनिवर्सिटी के, सिर्फ उनका काम नहीं है मिशन को आगे बढ़ाना।
मिशन को सर सैयद के आगे बढ़ाने का एक मुश्तरका काम है, मुश्तरका जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, जिसमें खास तौर से मेजर जो रोल प्ले करेंगे वो असातजा करेंगे। तो असातजा अपने तलबा को मोटिवेट करें अच्छे काम करने के लिए, असातजा खुद अच्छे काम करें, अच्छी रिसर्च करें, अच्छी तदरीस करें, और जाहिर सी बात है कि फिर अपने तलबा को मोटिवेट करें। चूंकि आपने मुझसे ये पूछा है कि हम उस मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये जो मेरी राय है, ये मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ कि देर आर 5 E's, अगर हम उस पर फोकस करें तो आई एम क्वाइट श्योर कि हम सर सैयद के मिशन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इन 5 E's में पहला ई ऑफ कोर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एजुकेशन, दूसरा ई एम्प्लॉयमेंट है, तीसरा ई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, चौथा ई एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन है, और पांचवा ई जो है वो इत्तेहाद है। तो एक एक करके मैं इन सब पर बात करता हूँ। एजुकेशन, आई मेंशन कि सर सैयद को एहसास था एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस दौर में एजुकेशन का जो भी स्ट्रक्चर था वो इंपॉर्टेंट था, आज के दौर में एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं स्किल की भी बात कर रहा हूँ। और खासतौर से आप देखिए कि आज के ज़माने में जो है वो इम्प्लायबिलिटी स्किल्स की बहुत बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर कोलाबोरेशन एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, कोपिंग विद स्ट्रेस होना चाहिए, Knowing yourself, minimizing your demerits, maximizing your potentials, ये सारी चीज़ें। तो गोया कि एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन भी हम हासिल करें और स्किल भी हासिल करें। अब यहाँ पर एक सवाल जो आता है वो ये आता है कि जाहिर सी बात है कि मैं हूँ या आप हैं तो वी आर privileged पीपल। हम क्यों privileged हैं? बिकॉज वी आर enrolled हियर एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट इन सच ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे अजीज अकारीब हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं जो बेचारे नहीं आ सके, तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? और छोटी छोटी मदद, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म कब मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, और खासतौर से आजकल जो है वो ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसमें हम थोड़ा गाइड कर दें। किसी के पास पैसों की कोई प्रॉब्लम है 100-200 रुपए की हम मदद कर दें। इस तरह की छोटी छोटी हेल्प अगर हम करेंगे और कम्युनिटी में एजुकेशन बड़े पैमाने पर फैलेगी और स्किल्स जो है के लिए जो है वो कोशा होंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि थिंग्स विल बी बेटर। तो ये पहला ई था जिसको हमको सैयद के मिशन का पहला ई जिसको कि हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप दूसरी बात करें इम्प्लॉयमेंट की, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब इम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। पहले फोकस जो होता था वो जेनरिक स्किल पे होता था हमारे टाइम में, जब हम पिछली सेंचुरी में थे, खासतौर से 20वीं सेंचुरी में। तो अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है या बुकिश नॉलेज है और आप उसका इस्तेमाल करिए तो आपको जॉब मिल जाती थी, नौकरी मिल जाती थी आसानी के साथ। लेकिन आज के दौर में कहा जा रहा है कि सिर्फ जेनरिक स्किल्स सफिशियंट नहीं है, बल्कि यू हैव टू हैव इम्प्लायबिलिटी स्किल्स एज वेल। तो इसी हिसाब से हमको ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए या अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए ऐसे कोर्सेज में जाने के लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों, जिसमें पैसा कम लगे या जिसमें फीस, जिसकी फीस कम हो लेकिन आउटपुट जिसका अच्छा हो, तो ताकि वो आसानी के साथ एम्प्लॉयमेंट से जो है वो जुड़ सके। तो जब एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेंगे और कुछ पैसा उनके पास आने लगेगा, इकोनॉमिक हालात थोड़ा बेहतर होंगे, तो फिर विजन भी जो है वो बड़ा होता है। और कहते हैं कि मनी बिगेट्स मनी, और इसी से फिर आगे के रास्ते भी जो खुलते हैं। सर, वी कैन से दैट वोकेशनल एजुकेशन जो गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है उसको मैं प्रमोट करना। ऑफ कोर्स, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखें तो गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे। तो मुझे लगता है कि हमें एक पेरेंट्स की हैसियत से या एक प्रोफेसर या एक टीचर की हैसियत से हमें इसके बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। और अगर कुछ लोग इस तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स बेटर, क्योंकि इन कोर्सेज की खास बात यह है कि कम मुद्दत के हैं, कलील मुद्दत ही हैं, और 6 महीना या साल भर या इस तरह का की ट्रेनिंग हासिल करने से वो जॉब से जुड़ सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड ई ऑफ सर सैयद मिशन। अब नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड ई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? देखिए, एक आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में बहुत पहले एक माइक्रो क्रेडिट करके स्कीम चलाई थी, एक वहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब थे जो आजकल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इनफैक्ट। तो उस टाइम वो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन थे और उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी खासतौर से औरतों के लिए, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, गोया कि जिसमें 50,000 टका या छोटा अमाउंट इसमें दिया जाता है कर्ज के तौर पर, और इसके इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम होते हैं।
लेकिन इसमें ये खास बात होती है कि किसी ऐसे काम में ये पैसा लगाया जाता है जिससे फौरन आउटपुट आने लगता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को आजकल जो है वो इनकरेज करने की ज़रूरत है। इस तरह के काम जिसमें कम कैपिटल लगे, कम सरमाया लगे, लेकिन रिटर्न जल्दी आए, तो पैसा आने लगेगा और पैसा रोटेट होने लगेगा, तो थिंग्स विल बी बेटर। और अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखें तो खास तौर से गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया है, तो हम लोगों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इसके हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बाकायदा कोर्स शुरू किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम से, तो अगर हमारे कुछ बच्चे उसमें जाना चाहें या उनको पहली बात तो मालूमात नहीं है, अगर तो हम मालूमात फराहम करें, हम उनको अवेयर करें, और अगर कोई जाना चाहे तो हम उनके लिए जो भी आसानियां पैदा कर सकते हैं, जो भी आसाइशें हम उनको दे सकते हैं वो करें, तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से भी मुझे लगता है कि हालात जो है बेहतर होंगे और हौसला अफजा जो है नताए जाएंगे। चौथा जो ई है सर सैयद के मिशन का, डेफिनेटली एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। और इस हवाले से अगर आप मजहबी एतबार से देखें तो शरीयत ने औरतों को पहले से ही बहुत सारी आज़ादियाँ जाहिर सी बात है कि दे रखी हैं। कुछ मामलात में हम जो है जाहिर सी बात है कि बहुत ओपन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर के हिसाब से हमको थोड़ा सा जनरासिटी शो करनी चाहिए, थोड़ा सा वसीउ नज़री और फराखदिली शो करनी चाहिए, और औरतों की तालीम के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। हुकूमत हिंद ने साल 2001 को ख़वातीन की बाख्तियारी का साल डिक्लेयर किया था, वीमेन एम्पावरमेंट ईयर डिक्लेयर किया था, जिसमें ख़ास तौर से बहुत सारी स्कीम्स जो है चलाई गई थी, जैसे देखिए महिला समाख्या एक स्कीम थी और इस तरह की बहुत सारी, और इन स्कीमों के चलने से औरतों के हालात पर फ़र्क जो है पड़ा था। आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपने पंचायत के इलेक्शन में या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में औरतों के लिए रिजर्वेशन दिया, तो औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो इस तरह से हमको भी वसीउ नज़री जो है रखनी चाहिए, अगर औरतें इम्पावर होंगी, औरतों को हम और अख्तियार देंगे तो डेफिनेटली दे विल कंट्रीब्यूट टू द फैमिली। एक बच्चों की परवरिश में जाहिर सी बात है कि जो रोल औरतों का होता है दैट विल नॉट बी प्लेड बाई मेल ओनली, तो इस हवाले से इस तरह से हमको जो है वो उनको सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौके देने चाहिए डिसीजन मेकिंग में। जब हम डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली दे विल फील एम्पावर्ड। और लास्ट में जो आखिरी जो ई है सर सैयद के मिशन का, डेफिनेटली वो इत्तेहाद। अगर आप सर सैयद की लाइफ देखें तो उन्होंने पूरी लाइफ जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, दिस इज़ वन थिंग। और आप देखें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे उस मुल्क उस दौर के जो हिंदू राजा थे या जो समाज के जो थोड़ा सा वेल ऑफ लोग थे उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो गोया कि सर सैयद की अप्रोच जो है वो कभी एक्सट्रीम नहीं थी, गोया कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों, बल्कि वो ये बार बार कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं, ये मुल्क जो है एक दुल्हन की तरह है और उस दुल्हन की खूबसूरती में ये दोनों कम्युनिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दो आंखें हैं इसकी। तो इत्तेहाद की जब मैं बात कर रहा हूँ तो विद इन कम्युनिटी इत्तेहाद एज़ वेल एज़ हम बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनसे बात करें, उनसे डायलाग करें, उनके साथ कोलैबोरेशन करें। आज हमारे मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं, देखिए पोल्यूशन का एक मसला है, क्लाइमेट चेंज का एक मसला है, आजकल हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की, आजकल हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे, और हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। तो ये मिशन किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये जो मिशन है इसमें जब तक सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये मिशन हासिल नहीं हो पाएंगे। तो हमें आगे बढ़ करके और लोग जो इस सिम्त में काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, और अगर कभी मुनासिब मौका मिले तो हमें अपने मसाइल को भी उनसे आगाह करना चाहिए, उनसे मशवरात भी लेना चाहिए, उनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाना चाहिए। तो ये था इनफैक्ट पांचवा ई सर सैयद के मिशन का। मेरे ख्याल से अगर हम इन फाइव ईज पर फोकस करेंगे तो हम ट्रू सेंस में सर सैयद को जो है वो खराज अकीदत जो है पेश कर पाएंगे। तो आप अगर देखिए कि सर सैयद के जो कामों पर अल्ताफ हुसैन हाली एक नज़म हमने बचपन में पढ़ी थी बड़ी ही मीनिंगफुल, आपने भी पढ़ी होगी, कि झुटपुटे का वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे रहला के रोशन कर दिया, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूसों से, रोशनी जिनकी रही महलों के अंदर ही सदा, घर निकल कर एक ज़रा बहनों से बाहर देखिए है घुप अंधेरा दरो दीवार पर छाया हुआ। तो गोया कि इस नज़म के ज़रिए से अल्ताफ हुसैन हाली बेसिकली एक कंपेनियन थे
सर सैयद के और बहुत ही उनके करीबी थे। तो इस नज़म के ज़रिए से जो इसमें चिराग की बात कही गई है वो सर सैयद को उन्होंने एड्रेस किया कि जब हर तरफ से मायूसी थी और नाउमीदी थी तो उसमें सर सैयद ने एक तहरीक शुरू की, सर सैयद ने एक काम शुरू किया। तो हम किसी से ये बार बार कहें कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत के दावे करें ज़बान से, इससे कहीं बेहतर है कि हम एक्शन करें, हम कुछ काम करें, बिकॉज यू नो दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। और हम सबको कलेक्टिवली सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल आगे उस काम को नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, इंडिविजुअल लेवल पर? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इंडिविजुअल लेवल पर देखिए, अभी आईटिप का जो कोर्स आया है तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है कि अब हर इंटर्न, यानी बीएड का हर इंटर्न, वो जा करके कम से कम 10 बच्चों को या 20 बच्चों को या 15 बच्चों को, इलिटरेट लोगों को लिटरेट करे। तो आप, आपकी समझ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इससे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट होगा। यानी हम हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, ये इलिटरेसी एक शर्म की बात है कि जो मुल्क जो ये टारगेट रखता है कि 2035 तक जो है दुनिया की थर्ड इकॉनमी बन जाएगा या 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, उस मुल्क में इतने ज़्यादा इलिटरेट लोग, जाहिर सी बात है एक शर्म की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम शुरू की गई है ये बहुत अच्छी स्कीम है। कम से कम हर इंटर्न अगर 10-10 लोगों को लिटरेट करेगा, तो देखिए हम 100 लोगों को एडमिशन देते हैं तो गोया कि तकरीबन 1000 लोगों को हर साल हम लिटरेट बना सकते हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के एक कोर्स से। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह से हमें कुछ करने की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं, आप ट्रेंड हैं, देखिए आप अपने आसपास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या मदरसे हैं जहाँ के टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं, तो क्या आप उनको जाकर के कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? क्या आप उनको पेडागॉजी बता सकती हैं? क्या आप उनको टीचिंग मेथड के बारे में बता सकती हैं? जब मैं भोपाल में था तो हम लोग वहाँ पर बराबर जो डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ पर प्रोग्राम्स होते थे जहाँ पर मदरसा टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाता था, हम लोग जाते थे, हम लोग वहाँ पर कंट्रीब्यूट करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे और बड़ी तादाद में लोग आते थे और ट्रेन होकर के जाते थे। तो फिर जब वो ट्रेंड होकर के जाते थे तो वहाँ पर वो लोग कहते थे कि अब हमारी टीचिंग पर जो है वो रिमार्केबल फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली ट्रेनिंग का असर होता है। तो डेफिनेटली तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव, यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हमने जो तालीम हासिल किया है, क्या उस तालीम का कोई इस्तेमाल हम डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए या हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सोचने की ज़रूरत है। और इसके लिए कोई एक फार्मूला नहीं है कि मैं आपको एक फार्मूला बता दूं और वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल, ये अप्रोच नहीं है। बल्कि आप अपने लोकल सतह पर देखिए, अपने अजीज़ अकारीब ख़ानदान रिश्तेदार के लोगों को देखिए और उसमें देखिए कि आप क्या कर सकती हैं। तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रीब्यूट। आप जिस भी कोर्स में हों या आपने जो भी पढ़ाई की हो या आपने जो भी डिग्रियाँ ली हों, डेफिनेटली देर इज़ ए स्कोप टू डू बेटर फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ सर सैयद डे? देखिए, हम सब लोग सर सैयद से बहुत मोहब्बत करते हैं और किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम सब लोग सर सैयद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि वो मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ अल्फाज तक ना रहे, या उनके नाम का एक दिन मना लिया या उस पर डिनर कर लिया या कुछ प्रोग्राम कर लिया या उनकी शान में कुछ बातें कह दी, तो ये यहाँ तक महदूद ना रहे, बल्कि उनके मिशन को हिंदुस्तान के हर हर कोने तक ले जाना, हर समाज के हर डाउन ट्रॉडन तबके तक पहुँचाना और समाज की फलाह बहबूद के बारे में सोचना। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तब मुझे लगता है कि हम सर सैयद को सच्ची खराज अकीदत पेश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने सर सैयद के बारे में अपनी कीमती बसीरत और नुक्ता नज़र पेश किया। सर, आपके ख्यालात ना सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि उनका तालीम पर कितना गहरा असर था, बल्कि ये भी तरगीब देते हैं कि हमें अपनी कोशिशों में कैसे एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ना है। एज सर सैयद ऑल्सो सेड, नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, एंड इफ वी विश टू शेप द फ्यूचर ऑफ अ कम्युनिटी, वी मस्ट इग्नाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज। हैप्पी सर सैयद डे टू एवरीवन।